अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जी तो आज हम ईबे फ्री कोर्स का लेक्चर नंबर 16 देखेंगे और आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू लिस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम सीजे ड्रॉप शिपिंग टू ईबे। इस वीडियो के अंदर हम डिटेल से देखेंगे कि हम सीजे ड्रॉप शिपिंग से किस तरह से प्रोडक्ट को ईबे के ऊपर लिस्ट कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले मैंने ईबे से रिलेटेड बहुत सी वीडियोज बनाई हैं, आप अभी हमारे चैनल में प्ले लिस्ट में जाके वहां से देख सकते हैं। ईबे की प्ले लिस्ट को ओपन करेंगे तो ईबे का अकाउंट बनाने से लेके पेमेंट मेथड को किस तरह से अटैच करते हैं, प्रोडक्ट को किस तरह से सर्च करते हैं और प्रोडक्ट को किस तरह से लिस्ट करते हैं, ये सब कुछ आपको वीडियोस के अंदर मिल जाएगा। लेकिन ये वाली जो वीडियो है ये थोड़ी सी डिफरेंट है उससे, क्योंकि इसके अंदर हमने जो प्लेटफॉर्म यूज करना है वो यूज करना है सीजे ड्रॉप शिपिंग, के शायद आपको ईबे के प्लेटफॉर्म के ऊपर जाने की जरूरत ही पेश ना आए। हमने जस्ट सीजे ड्रॉप शिपिंग को यूज करना है और ईबे के ऊपर ऑटोमेटिकली हमारी जो प्रोडक्ट है वो लिस्ट हो जाएगी। ठीक है जी, लास्ट वीडियोस के अंदर मैंने आपको जो लेक्चर नंबर हमारा 14 था और लेक्चर नंबर 15 था उसके अंदर मैंने सीजे ड्रॉप शिपिंग के ऊपर अकाउंट किस तरह से बनाते हैं वो बताया था, और लेक्चर नंबर 15 के अंदर मैंने आपको बताया कि हम सीजे ड्रॉप शिपिंग को किस तरह से ईबे के साथ लिंक कर सकते हैं। तो वो वीडियोज आपको लाजमी देखनी पड़ेंगी अगर आप प्रोडक्ट को लिस्ट करना चाहते हैं सीजे ड्रॉप शिपिंग से ईबे के ऊपर। लेकिन इससे पहले आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच सके। जी तो अब हम चलते हैं गूगल में और गूगल में जाके देखते हैं कि हम प्रोडक्ट को किस तरह से लिस्ट कर सकते हैं ड्रॉप शिपिंग, सीजे ड्रॉप शिपिंग को यूज करके ईबे के ऊपर। जी तो ये मेरा सीजे ड्रॉप शिपिंग का अकाउंट है और ये इसका डैशबोर्ड ओपन है, यहाँ से आप देख लें कि मेरा जो अकाउंट है वो यहाँ से लॉग इन है। ठीक है, इसी तरह से मैंने ईबे को भी साइट पे ओपन किया हुआ है तो यहां से मेरा जो ईबे का अकाउंट है ये भी यहां से लॉगिन है। लेकिन एक बात आपने यहां पर याद ये रखनी है कि आप ईबे के ऊपर कभी भी प्रोडक्ट को लिस्ट नहीं कर सकते जब तक आपने ईबे के ऊपर पेमेंट मेथड को अटैच नहीं किया होगा। वो मैंने पेमेंट मेथड के लिए वीडियो बनाई हुई है, वो सब कुछ आपको हमारी ईबे की प्ले लिस्ट से मिल जाएगा। आपने क्रेडिट कार्ड अटैच करना है, उसके बाद आपने पायोनियर का अकाउंट अटैच करना है। जब आपने सेलर अकाउंट में जाना है ईबे के ऊपर तो पायोनियर का अकाउंट अगर आपका वेरीफाई नहीं है, अगर आपका अटैच नहीं है ईबे के ऊपर तो आप यहां से या वैसे भी आप ईबे के ऊपर भी प्रोडक्ट को लिस्ट नहीं कर सकते। अगर आपको ईबे के ऊपर ऑप्शन नहीं आ रहा पायोनियर का तो जब आप पहली लिस्टिंग करेंगे, वो मैंने लिस्टिंग वाले जो वीडियोज बनाई थी उसके अंदर बताया हुआ है कि कैसे लिस्टिंग करनी है। जब आप पहली लिस्टिंग करेंगे, जब आप लिस्टिंग को लाइव करने की कोशिश करेंगे तो आपको ऑप्शन आ जाएगा कि आप यहां पर पायोनियर को अटैच करें। अगर आपका पायोनियर नहीं बना होगा तो आप वहीं से उसे लिंक कर सकते हैं, वहीं से न्यू जो है वो पायोनियर बना के उसे वहां से लिंक कर सकते हैं। जी तो अब हम देखते हैं कि अगर आपकी जो ईबे है वो, अगर आपका ईबे जो है वो अटैच है और उसके साथ पायोनियर भी अटैच है, डेबिट कार्ड भी अटैच है, मतलब पेमेंट मेथड आपने अटैच किया हुआ है तो वो आप पहले अटैच कर लें, अगर आपने नहीं किया हुआ तो वो कर लें। अगर आपका अटैच है तो फिर आप सीजे ड्रॉप शिपिंग से प्रोडक्ट को लिस्ट कर सकते हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर उसने कहा हुआ है जी कि ये रिकमेंडेड प्रोडक्ट फॉर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, तो यहाँ पर उसने, अगर आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो जो रिकमेंडेड प्रोडक्ट्स हैं ईबे के लिए तो वो आपके सामने आ जाएंगी। वैसे आप यहाँ से भी प्रोडक्ट्स को सर्च कर सकते हैं, जो भी आपका दिल करे कि ये प्रोडक्ट मुझे प्रॉफिटेबल है, थोड़े बहुत पैसे बच जाएंगे मुझे, तो वो आप ईबे के ऊपर सेल कर लें। ठीक है जी, तो वो आप ईबे से भी कुछ हेल्प ले सकते हैं कि ईबे के ऊपर किस तरह की चीज़ें जो है वो ज़्यादा प्रॉफिट देती हैं। ठीक है, वो मैंने आपको प्रोडक्ट रिसर्च वाली जो वीडियोस बनाई थी उसके अंदर बताया था। यहाँ पर देखें डिफरेंट कैटेगरीज हैं, यहाँ से भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अब हम क्या करते हैं जी कि हम यहाँ पर क्या करते हैं कि डायरेक्ट इसी में जाके देख लेते हैं कि जो रिकमेंडेड प्रोडक्ट्स हैं वो कौन कौन सी हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पर हम आते हैं तो यहाँ पर देखें हमें डिफरेंट जो है वो यहाँ पर प्रोडक्ट्स मिल रही हैं। तो हम इस तरह से करते हैं, यहाँ पर आप कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हैं कि कौन सी कैटेगरी होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि मैक्सिमम या मिनिमम प्राइस क्या होनी चाहिए, कितनी इन्वेंट्री पड़ी होनी चाहिए। ठीक है, और लिस्ट जो है वो यहाँ से हम ऐड कर सकते हैं। ठीक है, देख सकते हैं वो आपके फिल्टर यहाँ पर ऐड हो जाएंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर नीचे करते हैं, नीचे आके इसे देखते हैं जी कि कौन सी चीज़ जो है वो हमारे लिए जो है वो सूटेबल रह सकती है जो हम वहाँ पर कर सकते हैं लिस्टिंग। लेट्स सपोज अगर हम चाहें तो इसे देख सकते हैं, क्योंकि हम जस्ट अभी जो है वो इसे समझ रहे हैं तो हम इसे ओपन कर लेते हैं यहाँ पर। तो ये आपके पास एक टेबल लैम्प है, तो अभी इसे देखते हैं कि इसकी प्राइस वगैरह क्या है, तो वो आपको सारी डिटेल जो है वो यहाँ से बता दी जाएगी। ठीक है, तो अभी यहाँ पर देखें जी इसकी जो प्राइस है जी वो है जी $5.24। ठीक है, और इसके अंदर जो है वो कलर की वेरिएशन है,
ठीक है। तो ये देखें इसके अंदर ये ब्लू कलर भी आ रहा है, इसके अलावा यहाँ पर आई थिंक ये ग्रीन कलर भी यहाँ पर आ रहा है, उसके अलावा यहाँ पर रेड कलर भी आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पर आप इस तरह भी कर सकते हैं कि यहाँ से आप जो है कॉपी पेस्ट करके इसका जो भी डाटा वगैरह है इसे आप एक जो है वो उसमें रख लें, शीट में रख लें, एक्सेल शीट में रख लें, और मैनुअली जो है वो आप वहाँ पर लिस्टिंग कर लें ईबे के ऊपर, जैसा कि मैंने आपको लिस्टिंग करने का तरीका बताया हुआ है। यहाँ से नाम लें, यहाँ से ये चीज़ है, यहाँ पर ये सर्विस फीस कितनी, ये वो सारी की सारी चीज़ें आपको यहाँ से मिल रही हैं, ठीक है। कौन सा मटेरियल है, कौन सा ब्रांड है, ये सारी की सारी लिस्टिंग कितनी है, 82 लिस्टिंग है, ये वो SKU स्टॉक कीपिंग यूनिट जो है उसका क्या है, ये सब कुछ आपको यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, लेकिन हमने अगर इससे डायरेक्टली करना है जो लिंक, मतलब वहाँ पर लिंक करना है, जो लिंक हमने पहले किया हुआ है, हमने अगर डायरेक्टली यहाँ से लिस्टिंग करनी है तो वो लिस्टिंग हम डायरेक्टली यहाँ से कैसे करेंगे? तो आपने यहाँ पर देखे कनेक्ट का ऑप्शन है, वो कहता है जी क्लिक कनेक्ट इफ द प्रोडक्ट ऑलरेडी एग्जिस्ट इन योर स्टोर। वो कहता है जी कनेक्ट का ऑप्शन आप तब यूज करेंगे अगर ऑलरेडी आप लिस्टिंग कर चुके हैं अपने स्टोर के साथ। तो हमने तो अभी तक लिस्टिंग नहीं की, तो हम यहाँ पर करते हैं जी लिस्ट के ऊपर आते हैं, ठीक है। अच्छा जी, जैसे ही आप लिस्ट के ऊपर आएंगे तो यहाँ पर देखें आपको ये चीजें आ रही हैं सारी की सारी, शिप फ्रॉम चाइना वेयर हाउस से ये आएगा, ठीक है, क्योंकि ये चाइना के अंदर ही ज्यादा ये सीजे ड्रॉप शिपिंग जी वहां पे ही, मतलब वहां पे ही ज्यादा चीजें होती है, ठीक है। अब यहाँ पर वो कह रहे हैं जी के आपके जो स्टोर्स हैं, अब यहाँ पर स्टोर देख रहे हैं, अगर लेट्स सपोज आपने शॉपिफाई का भी अटैच किया हुआ है, अमेजोन का भी अटैच किया हुआ है, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन आ जाएंगे। तो हमने ईबे का अटैच किया हुआ है, तो देखें यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद वो कह रहे जी लिस्टिंग साइट वो आपने US ही यहाँ पर रखनी है, ठीक है। अच्छा, वो कह रहे जी प्लीज मेक श्योर द टोटल क्वांटिटी ऑफ द प्रोडक्ट लिस्टेड डज नॉट एक्सीड द लिस्टिंग लिमिट ऑन ईबे एज प्रोडक्ट विल बी रिमूव्ड वंस द इन्वेंट्री रन आउट, ठीक है जी। तो वो कह रहे जी सबसे पहले तो आपने ये बात श्योर कर लेनी है कि इसकी जो लिस्टिंग है उनकी तादाद बहुत ज्यादा नहीं है, ये जस्ट हर किसी के साथ ही वो बात कहेगा, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर देखें वो कह रहे जी कि आप यहाँ पर जो है वो सिलेक्ट करें कैटेगरी, आप यहाँ से भी कैटेगरी को सिलेक्ट कर सकते हैं, जब आपकी ईबे के ऊपर जाके वो हो जाएगी लिस्टिंग हो जाएगी, वहां से भी आप एडिट करके वहां से भी आप कैटेगरी को सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है जी। तो आप यहाँ पर रीसिलेक्ट कर लें इसे, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर आते हैं, तो यहाँ पर आके हम इसे होम एंड गार्डन में देख लेते हैं। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर देख लेते हैं जी कि ये किसके अंदर आएगा, ये होम डेकोर के अंदर देख लेते हैं। यहाँ पर अगर हमें ये मिल जाता है कहीं पर, तो यहाँ पर देख लेते हैं जी कहीं पर लैंप वगैरह जो है वो लिखा हुआ है, यहाँ पर आई थिंक लैंप वगैरह तो कहीं पे नहीं लिखा हुआ। तो आप यहाँ से जो है ना वो सिलेक्ट, यहाँ से आप देख लें ग्लोब्स लिखा हुआ है। अच्छा, ग्लोब्स के आगे देख लेते हैं अगर कुछ चीज़, तो आप यहाँ से जो है ना इसकी कैटेगरी देख लीजिएगा, मतलब आपको यहाँ से इसकी जो कैटेगरी वगैरह है वो यहाँ से भी मिल जाएगी जहाँ से आपने इसे सिलेक्ट किया था, ठीक है। यहाँ से आपकी जो भी यहाँ पर था नीचे हमारे पास, मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। इसे ओपन कर लें एक जगह पर अलहदा से, तो वहां पर भी आपको जो है वो इसकी कैटेगरी वगैरह उसने दी होगी कि ये कौन सी कैटेगरी से रिलेट कर रहा है, ठीक है। तो उसे आपने देख लेना है। अच्छा, इसे करने के बाद यहाँ पर वो कह रहे हैं जी कि आपके पास वेरिएंट्स, ठीक है। वो कहते हैं जी कि प्राइस चेंज, वो कहते हैं जी लिस्टिंग चेंज या प्राइस चेंज, वो आपको कह रहा है, तो उसने हमें प्राइस चेंज कहा हुआ है, तो हम इसी पे जरा रखते हैं। अब वो यहाँ पर हम यहाँ पर लिस्टिंग चेंज को भी देख लेते हैं इसके अंदर क्या है, तो चलें इसी पे आते हैं, ठीक है। अच्छा, अब वो यहाँ पर आपको कह रहा है जी कि आपके पास तीन तरह की वेरिएशंस हैं, ठीक है। आपने क्या करना है, तीनों को यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। या आप इस तरह से कर सकते हैं, एक को यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं, एक एक को भी कर सकते हैं, लेकिन आपने क्या करना है कि तीनों को यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। अच्छा, अब देखें वो यहाँ पर उसने आपको बताया कि इसका रेड कलर है, इसका ब्लू कलर है, इसका जो है वो ब्लैक जो है ना ग्रीन कलर है। वो कह रहे हैं जी कि सीजे के ऊपर इनकी जो प्राइस है वो है 5.24 है, ठीक है। वो कह रहे हैं जी शिपिंग फीस आपको पड़ेगी 8.16, ठीक है। जब आपने ईबे के ऊपर लिस्ट करनी है, क्लाइंट ने आपको ऑर्डर देना है, तो जाहिर बात है कि आपने सीजे के ऊपर ऑर्डर करना है, तो सीजे ने आपके एक तो आपसे उसने 5.24 तो उसने लेने ही लेने हैं, 5.24, ठीक है। साथ में जो उसने शिपिंग करवानी है उसके भी यहाँ पर चार्जेज हैं, सर्विस फीस है $1.11, ठीक है। तो ये टोटल आपके पास जो है ना ये बन जाते हैं $14.51 आपके पास टोटल बन जाते हैं, ठीक है। आप इसकी प्राइस क्या रख सकते हैं, आप यहाँ पर भी रख सकते हैं 14 है, आप इसकी प्राइस लेट्स सपोज रख देते हैं 25 रख सकते हैं, ठीक है। और इसे यहाँ से कर लेते हैं जी ओके करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखें ये 25 जो आ गई है। अच्छा, इसे भी करके यहाँ पर देख लेते हैं कि इसमें क्या है, लिस्टिंग चेंज के अंदर क्या है जी, यहाँ पर 25 लिख के देखते हैं तो इसमें क्या है। अच्छा, ये लिस्टिंग की क्वालिटी आ रही है, ठीक है, क्वान्टिटी आ रही है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर देखें हमने ये किया तो ये हमने कर दिया जी 25, ठीक है। अगर आप इसकी प्राइस चेंज करना चाहते हैं कि रेड वाले की 25, वो भी आप यहां से अलग अलग कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहां पर देखें
तो आपके पास जो है वो लिस्टिंग क्वांटिटी, इनकी क्वांटिटी कितनी कितनी पड़ी हुई है, तो आप ज्यादा ना करें, आप इसे 5-5 कर लें, यहाँ से भी आप कर सकते हैं, ठीक है। इसे यहाँ पर आए और यहाँ पर लिख लें जी आप 5 लिख लें और इसे ओके कर दें, तो ये देखें सारे 5 हो गए हैं, लेकिन आपने पहले इन्हें यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। अच्छा जी, वो कह रहे हैं जी शिप माई ऑर्डर, तो आपने अपना जो ऑर्डर है वो कहाँ पर जो है वो शिफ्ट आपका होना चाहिए, तो आपने देखें वो लिख दी है कि यूनाइटेड स्टेट, ठीक है, ये पहले से सिलेक्ट है। अच्छा, शिपिंग मेथड क्या होना चाहिए, तो सीजे पैकेट माई सेंसिटिव, ये भी ठीक है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर कोई और अगर ऑप्शन आता है तो वो भी आपने देख लेना है, तो यहाँ पर जो उसने किया यही करना है, ठीक है। अच्छा, अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पर कोई इशू है, वो यहाँ पर उसने बता दिया डिलीवरी टाइम 20 से 30 डेज होगा, ठीक है। शिपिंग कॉस्ट जो है वो 9.27 होगी, ठीक है। ये देखिए शिपिंग फीस इसने बताई है, यहाँ पर इसने बता दिया अवेलेबल ट्रैकिंग इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, किसी और को सिलेक्ट करके देख लेते हैं, तो यहाँ पर देखें ये चेंज हो गया, ये 8 से 18 दिन हो गया तो ये चेंज हो गया, ठीक है। तो यहाँ से आप ये देखें ये भी चेंज कर सकते हैं आप, ठीक है। तो ये चेंज हो रहा है, ये प्राइस यहाँ पर ज़्यादा हो गई, ये 8 से 20 दिन हो गए हैं, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर ये डिफरेंट चीज़ें हैं, तो चले हम इसे कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर आप यहाँ से करेंगे लिस्ट इट नाउ, ठीक है, तो ये चला जाएगा, वहाँ पर लिस्टिंग हो जाएगी। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर देखें ये ऑटो लिस्टिंग लिखा हुआ है, ऑटो लिस्टिंग में नहीं, आप अकेला लिस्टिंग में आए। अच्छा, यहाँ पर देखें अगर आप इसे एडिट करना चाहते हैं, तो हम इसे एडिट में आ जाते हैं पहले, ठीक है। एडिट भी कर सकते हैं आप इसे बिफोर पब्लिश, इसे पब्लिश करने से पहले, इसे ईबे पे भेजने से पहले आप इसे यहाँ पर एडिट भी कर सकते हैं, तो उसे हम देखते हैं जी कि एडिटिंग के अंदर हमें क्या क्या ऑप्शन आ रहे हैं, तो वो हम यहाँ पर डिटेल से देख लेते हैं जी। तो ये देखें ये आपके पास ओपन हो गया, जब हमने एडिट किया उसे, लिस्ट बिफोर एडिट किया, तो यहाँ पर आपके पास डिफरेंट टैग्स आप ऐड कर सकते हैं, मतलब ये आपके पास LED लैम्प है, ठीक है, इसे करेंगे और इसे ओके करेंगे तो ये टैग ऐड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम टेबल लैम्प यहाँ पर लिख सकते हैं, टेबल लैम्प लिख लेते हैं, ठीक है जी, तो ये ऐड हो गया, डिफरेंट टैग्स यहाँ पर ऐड हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ से कैटेगरी का तो मैंने आपको पहले बता दिया। अच्छा, डिस्क्रिप्शन में आए, तो ये आपके पास डिस्क्रिप्शन है ऑलरेडी लिखी हुई है, इसे आप वहाँ पर बाद में जाके भी एडिट कर सकते हैं। देखिए कितनी अच्छी डिस्क्रिप्शन जो है वो यहाँ पर, इसकी पिक्चर्स वगैरह ये वो सब कुछ ऑलरेडी यहाँ पर बना हुआ है। इमेजेस की यहाँ पर बात कर लेते हैं, तो इमेजेस ये हैं, आप इनमें से और इमेजेस यहाँ पर ऐड करना चाहें तो वो भी ऐड कर सकते हैं, इन्हें यहाँ से डिलीट करना चाहें, ये देखें मैं इसे अनसेलेक्ट कर लेता हूँ, तो इसे अनसेलेक्ट भी हो जाएगा, यहाँ से ये खत्म हो जाएंगे। वेरिएंट्स की बात यहाँ पर करते हैं, तो ये डिफरेंट यहाँ पर वेरियंट्स आ गए हैं, ठीक है। प्राइस वगैरह का मैंने आपको पहले यहाँ पर बता दिया था, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं जी कि ये आ गया है, ठीक है, और इसे अभी हम देख लेते हैं। शिपमेंट के बारे में यहाँ पर चेक करते हैं, शिपमेंट वो कहते हैं जी देयर इज़ नो शिपिंग मेथड टू दिस रीजन करंटली। अच्छा, अब देखें यहाँ पर आपने रीजन को पहले सिलेक्ट करना है, ये कहाँ पर पड़ा हुआ है, चाइना वेयर है उसको पड़ा हुआ है, ठीक है जी। और उसके अलावा हमने यहाँ पर कर लेना है यूनाइटेड, ठीक है, ये देखें यूनाइटेड स्टेट आ गया, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अब देखें यहाँ पर ये डिफरेंट आपके पास जो है वो आ गए हैं कि आप किसके जरिए जो है वो यहाँ पर शिपिंग जो है वो करना चाहते हैं, तो ये देखें अगर आप जल्दी मंगवाना चाहते हैं तो आप इसके जरिए भी कर सकते हैं, शिपिंग फीस ये होगी, ये सब कुछ आपको डिटेल से यहाँ पर आप किस जिसे मर्जी सिलेक्ट कर लें, ये आपने कर लिया है। वेरिएंट्स पे आ गए, ये देखें अब आपने वो जब इसे सेलेक्ट किया शिपमेंट को, तो अब देखें यहाँ पर भी ये सब कुछ लिखा आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर जो प्राइस है वही बात जैसे मैंने आपको पहले बताई थी कि आप किस प्राइस में सेल करना चाहते हैं, हम 25 में इसे सेल करना चाहते हैं, ठीक है जी। उसके अलावा इसकी जो है वो क्वान्टिटी कितनी कितनी पड़ी हुई है, तो ये 5-5 जो है इसकी क्वान्टिटी पड़ी हुई है, तो ये देखें ये सब कुछ हमने पहले भी यहाँ पर देख लिया, ठीक है। शिपमेंट के ऊपर आ गए, ये आ गए, उसके बाद यहाँ पर अदर्स में आ गए, अदर्स में वो कह रहे हैं जी ये देखें पेमेंट मेथड, वो कह रहा है जी मैनेज्ड पेमेंट पायोनियर या पेपाल, तो हम पायोनियर ही करेंगे क्योंकि हमने पायोनियर ही वहाँ पर, वो कह रहा है जी ईबे मैनेज्ड पेमेंट इज सजेस्टेड और प्रोडक्ट लिस्ट में फेल्ड, वो कहता है जी कि अगर आपने अभी तक जो है वो नहीं किया हुआ, यहाँ पर व्यू डिटेल में देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। अच्छा जी, यहाँ पर देखें वो कह रहे हैं जी कि शिपमेंट मैथड ऑन ईबे, ईबे के ऊपर जब आपने शिफ्ट करना है तो तब आपका जो है वो शिप करना है, तो तब आपका क्या मैथड होगा, तो आप यही कर लें फ्लैट शिपिंग मैथड एक्सप्रेस, या आप यहाँ पर ये कर सकते हैं, यहाँ पर एक ये देखें यहाँ पर देखें फ्लैट शिपिंग फ्रॉम आउटसाइड US, ये भी आप कर सकते हैं यहाँ पर, यहाँ देखें यहाँ पर ये भी आपके पास लिखा हुआ है, आप कोई भी इसमें से सिलेक्ट कर सकते हैं, तो ये देखें स्टैंडर्ड शिपिंग, हाँ जी ये वाला आप सिलेक्ट कर लें, ठीक है। अच्छा, UPC कोड अगर आपने देना है, ठीक है, नहीं देना आपकी अपनी मर्जी है। ब्रांडेड की यहाँ पर बात कर लें, तो ब्रांडेड हमने जो यहाँ पर अनब्रांडेड कर देना है, ठीक है, यहाँ सिंपल हमने यहाँ पर ब्रांडेड लिख देना, मैं देख लेता हूँ यहाँ पर ब्रांडेड है या नहीं है, ब्रांडेड यहाँ पर नहीं है, तो आप अनब्रांडेड इसे करते हैं, ठीक है, तो इसे यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं और ब्रांडेड कर देते हैं, अनब्रांडेड यहाँ पर देख लेते हैं जी कहाँ पर गया अनब्रांडेड हमारा, अनब्रांडेड यहाँ पर अभी आपके पास आ जाएगा अनब्रांडेड, ठीक है,
तो उसे आपने देख लेना, जैसे ही आपके पास वो जैसे ही आएगा कुछ अनब्रांडेड जो है वो यहाँ पर, आपने पहले ही अनब्रांडेड था तो अनब्रांडेड ही से रहने दें, कोई आपने सिलेक्ट करना है तो आपकी अपनी मर्जी है, वो भी आप देख सकते हैं। तो इसे हम देख लेते हैं यहाँ से एक दफा, वैसे ऊपर करें तो यहाँ पर ये देखिए अनब्रांडेड, ठीक है, इसे आपने कर देना है। अच्छा जी, ये करने के बाद अब यहाँ पर देख लेते हैं जी, हमने व्यू इसे ओपन किया था तो इसमें क्या है जी आपके पास, इसे मैं एक दफ़ा ओपन कर लेता हूँ। तो ये देखें, ये आपको कह रहा है जी कि अकाउंट को आप यहाँ पर दोबारा से साइन इन करें, तो इसे ज़रा देख लेते हैं जी इसके अंदर क्या वो कह रहा है। ठीक है जी, तो हाँ जी वो, हाँ जी यहाँ पर वो कह रहे हैं जी मेथड आप पहले लगाएंगे, ठीक है। इसे करने के बाद लिस्ट इट नाउ करते हैं, तो यहाँ पर देख लेते हैं जी वो क्या कहता है। वो डेफिनेटली यही कहेगा कि आपने ईबे के ऊपर, ये देखें लिस्टिंग फेल्ड, वो कह रहे हैं जी वेरीफाई आइटम फेल्ड, वो कहता है जी आपकी ये आइटम जो फेल, बिफोर यू कैन लिस्ट दिस आइटम यू नीड सम एडिशनल इन्फॉर्मेशन टू क्रिएट सेलर अकाउंट। तो आपको जी कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेंगी, ठीक है जी, कहाँ पर देनी पड़ेंगी वो आपने यहाँ पर आर्टिकल वगैरह इसका पढ़ लेना है, वो आपको ईबे के ऊपर देगा। चेक द रीज़न वाई लिस्टिंग टू ईबे फेल्ड हेयर, तो वो कहता है जी यहाँ पर आपको रीज़न का पता चल जाएगा कि आपका जो है वो क्यों जो है उसने फेल किया, ठीक है। तो यहाँ पर देखें, वो कह रहे हैं जी इफ़ यू हैव एन ईबे स्टोर कनेक्टेड विद सीजे एंड आर स्ट्रगलिंग विद लिस्टिंग प्रोडक्ट, यू मे नीड टू रीड दिस आर्टिकल, ठीक है जी। आपके पास कैटेगरी इशू हो सकता है, ठीक है। उसके बाद वो कह रहा है जी कि डिफरेंट चीज़ें, वो कह रहे हैं जी आपने जो है वो वेरिफिकेशन नहीं करवाई हुई आपकी जो है अकाउंट टाइप के, ठीक है, तो आपने जो है वो अकाउंट वगैरह बना लें, या फिर ईबे डज नॉट अलाउ प्रोडक्ट विद द आर्बिट्रेट क्वांटिटी ऑफ द लिस्टिंग, मतलब कि लिस्टिंग की बहुत ज़्यादा क्वांटिटी नहीं हो जानी चाहिए एक ही चीज़ की, और नो ऑफलाइन पेमेंट सिलेक्शन फॉर द साइट। तो ये सारी की सारी चीज़ आपने यहाँ से स्टडी कर लें। तो मैंने आपको पहले बताया कि सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपने जो है वो यहाँ पर पायोनियर को अटैच करना है ईबे के साथ, तो तब आपका काम जो है वो ठीक होगा। अब देखें ये डिफरेंट रीजंस यहाँ पर बता रहा था, अब ये आर्टिकल पढ़ लें एक दफ़ा इसे देख लें ताकि आपको समझ आ जाए कि ये क्यों ऐसा हो रहा है, ठीक है जी। तो एक तो रीज़न मैंने आपको मेन बता दिया कि अभी हमारा जो अकाउंट है इसके साथ मैंने पायोनियर को अटैच नहीं किया हुआ, तो जिन जिनका पायोनियर अटैच है तो उनका तो जो है वो ईजीली हो जाएगा, जिनका पायोनियर वेरीफाई नहीं है अटैच नहीं है तो उनका जो है वो ये काम नहीं होगा जी। तो ये थी आज की हमारी वीडियो, और मैंने आपको डिटेल से बता दिया कि हम सीजे ड्रॉप शिपिंग से किस तरह से लिस्टिंग कर सकते हैं ईबे के ऊपर। तो उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक हमारी ईबे से रिलेटेड बाकी तमाम वीडियोज नहीं ली तो आप अभी हमारे चैनल में जाएँ, वहाँ पर प्ले लिस्ट को ओपन करें, ईबे की प्ले लिस्ट को ओपन करके वहाँ से ईबे को अच्छे तरीके से सीखें, स्टेप बाई स्टेप आपको हर चीज़ समझाई गई है ताकि आप भी ईबे से अर्निंग कर सकें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।